पूरे लाख की गिनती तो बहुत बाद में है। और कभी कभी सोचता हूं कलिक महाराज, जो आपके 32,000 पूरे होंगे, लाख में गिनती आएगी तब क्या करोगे। और एक बात और, जो ये कलयुग की उम्र 4,32,000 साल की है, ये कलयुग 4 चरणों में बटा है। कलयुग के 4 चरण, पहले चरण कलयुग की उम्र है 1,08,000 साल की। तो पहले चरण में आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल। जो अभी पहला चरण शुरू हुआ है इसमें आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल। और जो दूसरा चरण आएगा कलयुग का, उस समय आदमी की उम्र होगी 50 साल। और जो तीसरा चरण होगा उस समय आदमी की उम्र हो जाएगी 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा, लास्ट वाला चरण होगा, उस समय आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, दुनिया से चला भी जाएगा 12.5 साल। और जो 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तब आदमी की लंबाई कितनी होगी? बोले तब आदमी की लंबाई ऐसे मानो जैसे कि चने का पेड़ होता ना, चने का पेड़, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। वो इसमें शंका वाली बात नहीं है। देखो अभी तो 6,000 साल ही हुए हैं और वो तो लाखों वर्षों की बात। तो आप 6,000 साल भी देख लो कि हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे, और उनके जो बड़े बूढ़े लोग होंगे वो कैसे होंगे, और जो उनके बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। और मैं तो सोचता हूं कलिक महाराज, अगर ये सिस्टम बना रहा तो अंतिम चरण आएगा ही नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब तो आदमी के विचार ही बदले गए, अब तो आदमी का स्वभाव अलग हो गया। अब वो दशा है कलयुग में, ये कभी कहता है अब साजन की कदर ना है, घुटन के सतका काउ न लेके ले आस गए होशियार, सीधे साधे भोले भाले उस लोग कहे गवार, साधो का तावे चोर चोर मने साहू। देखो कल की दशा देखो, सदवन पे बस्त नहीं विधवा श्रृंगार करे बारे जमा, सदवन पे बस्त नहीं विधवा श्रृंगार करे, अपने पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े जैसे सुन प्यार करे। यानी सदवन पे बस्त ना विधवा श्रृंगार करे। अभी हमारी देहाते बढ़िया है, अभी हमारे गांव ठीक है। बड़े बड़े शहरों में देखो, चाहे वे 70 साल की हो गई मोहे व्यवसेट करवाती फिरती है। सदवन पे बस्त ना विधवा श्रृंगार करे, अपने पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े व्यसन। साचन की कदर ना झूठन के सत्कार, काव को न लेके देवे तासे कहे होशियार, और सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार, और साह को बतावे चोर चोर बने साहूकार। मतलब जा की लाठी बाकी वो जमाना आ गया। तो कन्हैया बोले भैया धर्मराज, इसलिए मेरा विचार ये बनता है तो पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लो,
परीक्षद को राजा बना दो और तुम पांचों लोग छठी द्रौपदी को लेकर के हिमालय में गलने चले जाओ और हम भी आ रहे, हमारी भी यहां गुजर नहीं, हम भी आ रहे पीछे पीछे। तो देखो कन्हैया के बताए हुए अनुसार उन पांडवों ने इकट्ठे होकर के परीक्षद जी का राज तिलक कर दिया। अस्तो परीक्षत लाल को और वो देखी सब अधिकार और गए हिमालय के लिए वे पांचों पांडु कुमार। परीक्षद को राजा बना दिया और पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लेकर के और ये हिमालय में गलने चले गए। कब गए पांडव लोग हिमालय में गलने? वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था? तो एक विद्वान ये कल्पना कर रहा है जब पांडव लोग हिमालय में गलने गए थे तब वो समय, बोले